जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम में। तो आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ, और आज की वीडियो होने वाली है T1 वैकेंसी। T1 के रिगार्डिंग मैं आपको सब सारे अपडेट्स देने वाला हूँ, कब रिजल्ट आने के चांसेस है, और हमारे जो ट्विटर कैंपेन करने वाले हम रिजल्ट्स के प्रोसेस को जल्दी करने के लिए, उसके ऊपर भी अपडेट देने वाला हूँ मैं आपको। पूरा अपडेट मिल जाएगा आपको, और क्या क्या प्रोसेस है, मतलब कितने लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था पहले, कितने लोगों को डीवी में बुलाया जाएगा इस बार, कितने लोग एग्ज़ाम देने गए थे, कितने लोगों का सिलेक्शन होगा, मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एकदम एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और रिजल्ट्स कब तक आने के चांसेस है वो भी बताऊंगा, और वो रिजल्ट्स को फास्टन करने के लिए, रिजल्ट्स को थोड़ा जल्दी करने के लिए हम एक ट्विटर कैंपेन करने वाले हैं। तो उसके मैंने पहले ही आपको कहा था कि मैं सैटरडे को एक वीडियो बनाऊँगा ट्विटर कैंपेन के अपडेट के रिगार्डिंग। तो क्या प्रोसेस होगा, कितने लोगों ने मतलब सीरियसली लिया ये बात को, और कितने लोग होने वाले हैं, सब कितने बजे, वो सब मैं एक वन बाय वन करके आपको बताने वाला हूँ। तो आप शुरू से जुड़ते रहिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। पिछली बार जो नोटिफिकेशन आया था, पिछले एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आया था, वो दिसंबर 2021 में नोटिफिकेशन आया था, और उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था आपका फरवरी और मार्च 2022 में। बीच में कोविड आ गया था, कोविड की सिचुएशन के कारण एग्ज़ाम को रुका दिया गया था, फिर कोविड का सिचुएशन मतलब वो ठीक होने के बाद फिर से एग्ज़ाम कराया गया, फिर से एग्ज़ाम नहीं, उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्ट किया कराया गया था। तो इस बार जो नया एग्ज़ाम हुआ, वो पिछला एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद अभी फिर से जो नया एग्ज़ाम हुआ, वो आपका हुआ था 7, 8 और 10 जुलाई को। टोटल 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। तो एग्ज़ाम का अटेंडेंस बता देता हूँ आपको कि पहले कितने लोग एग्ज़ाम देने गए थे और इस बार कितने लोग एग्ज़ाम देने गए थे। तो पहले एग्ज़ाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जैसे कि लगभग 7 लाख के करीब लोगों ने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया था। और इस बार आपकी मतलब जिन लोगों ने पिछला एग्ज़ाम दिया था, तो वही उन्हीं लोग एलिजिबल थे इस बार भी एग्ज़ाम देने के लिए। तो जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप करके एग्ज़ाम नहीं दिया, वो लोग तो एग्ज़ाम देने नहीं गए, उसलिए अटेंडेंस बहुत ही कम था आपका, 30 से लेकर 40% तक लोग बोलते हैं बहुत ही कम था। देख लीजिए आप, 2 से 2.5 लाख तक बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। एग्ज़ाम्स के बाद आपका रिजल्ट आया, बहुत डिले करने के बाद रिजल्ट आया था, लेकिन हालांकि रिजल्ट आया। उसके बाद उन लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट्स को बुलाया था। तो वैकेंसी आपकी थी टोटल 841 में से उन लोगों ने 1.5 गुना कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जो होता है 1261। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के लिए सारे बच्चे नहीं गए, 1125 लोग ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे। तो इस बार भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी रिजल्ट आने के बाद, सेम वैसा ही होगा, सेम पहले वाला ही प्रोसेस को दोहराया जाएगा। मतलब 1.5 गुना लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो सेम प्रोसेस रहने वाला है इस बार भी। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ रिजल्ट से लेके जॉइनिंग तक के बीच में क्या क्या प्रोसेस होने वाला है, मैं सब चीज़ आपको अपडेट देने वाला हूँ अभी। पहले आपका रिजल्ट आएगा, वो कब आएगा वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन पहले आपका रिजल्ट आएगा, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। रिजल्ट के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको देने वाला हूँ मैं। रिजल्ट्स के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पिछला बार 6 महीना तक चला था आपका, तो शायद इस बार भी वो वैसा ही करे। उसके लिए भी हम कुछ करेंगे, मतलब इसका ट्विटर कैंपेन करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके। अभी उन लोग क्या करते हैं कि बहुत कम कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट वाइज बुलाते हैं कभी, मतलब अगर ये लोग ऐसा करें कि सारे इंस्टीट्यूट एक ही बार में कर ले, तो मान ले हर ICR का जितने इंस्टीट्यूट है सब एक साथ सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, तब तो जल्दी हो जाएगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पहले एक इंस्टीट्यूट बुलाएगा, फिर कितने बच्चे होंगे वहाँ से सिलेक्टेड, उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद अलग इंस्टीट्यूट बुलाएगा। एक ही टाइम में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक ही बार नहीं करते हैं ये लोग। उसके लिए भी हम ट्विटर कैंपेन करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक ही साथ करो, ये 6-6 महीना कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता रहता है भाई। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सेंट्रल प्रेफरेंस, मतलब प्रेफरेंस के लिए मैंने सुना था कि फॉर्म पिछले बार तो नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया वो, लेकिन ऐसे प्रोसेस क्या रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका सेंट्रल प्रेफरेंस करने के लिए, मैंने सुना था फॉर्म भरवाते हैं एक, मतलब ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हैं जो काउंसलिंग वगैरह जो होता है वैसे। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल जहाँ तक है इंस्टीट्यूट अपना अपना इंस्टीट्यूट जो होगा वही मेडिकल कंडक्ट कराएंगे, मतलब जो इंस्टीट्यूट में आप ये काउंसलिंग के थ्रू आपको इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, उसके बाद इंस्टीट्यूट के थ्रू आपका मेडिकल होगा। जैसे उसके बाद आपका ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा, फिर 1-1.5 साल का ट्रेनिंग बाद आपका ज्वाइनिंग होगा, एक परमानेंट एम्प्लॉय के तौर पर ICR में आप शामिल हो जाओगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम का टायर 2 होगा कि नहीं।
देखिए अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है कि टायर टू के रिगार्डिंग, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि टायर टू का एग्ज़ाम हो ही ना, क्योंकि वैसे ही आप देख सकते हैं कि कितने कम कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने के लिए गए, और मतलब जब कंपटीशन ज़्यादा होता है उसी के लिए तो टायर टू रखा जाता है, लेकिन इस बार वैसे ही कंपटीशन कम है और पेपर भी हार्ड आया था, तो आप देख सकते हो मतलब कितना कम कंपटीशन है। अभी तक तो चांसेस है टायर टू का एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ ICR अगर फ्यूचर में कुछ नोटिफिकेशन डालते हैं इसके रिगार्डिंग, तो मैं आपको जितना हो सके उतना जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब मैं आपको रिजल्ट्स के डेट के रिगार्डिंग अपडेट देता हूँ, कब तक आने के चांसेस है। वैसे सितंबर मिड से एंड तक रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कल एक ट्विटर कैंपेन होगा हमारा, हम लोगों को सितंबर एंड तक वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसे डिले रहता रहेगा तो सितंबर एंड, मान लीजिए सितंबर में आता है रिजल्ट, उसके बाद छः महीना बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको ज्वाइनिंग होते होते तो भाई बूढ़े हो जाओगे आप सब लोग। उसके लिए हम लोग सबको मिल के एक ट्विटर कैंपेन करना पड़ेगा, आप इस बात को सीरियसली लीजिए, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। मतलब इतना कौन वेट कर सकता है भाई। मैंने पहले भी कहा था कि मैं सैटरडे को एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब आपको अपडेट देने के लिए कि कल का ट्विटर कैंपेन कैसा क्या रहेगा। मेरा पहला वीडियो आप देखिए, उसमें मैंने सारे प्रोसेस के बारे में बताया है, कैसे क्या करना है, हैशटैग्स वगैरह के बारे में बताया हूँ, किस किस को टैग करना है वो सब भी बताया हूँ, आप एक बार वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसके बाद कल के लिए आप भी तैयार रह जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी, कल 13 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे आप सबको ट्वीट करना पड़ेगा, जितना हो सके उतना ट्वीट कीजिए, ये वीडियो को जितना हो सके पुराने वीडियो ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। क्योंकि अगर देख लीजिए, ये मतलब एक बहुत सीरियस टॉपिक है कि अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। दो मतलब मान लीजिए, अरे पिछला एग्ज़ाम का तो इतना डिले हुआ, तो एटलीस्ट ये एग्ज़ाम को तो डिले मत करो। अगर आप लोग सच में सीरियस ज्वाइनिंग को लेकर सच में सीरियस है, तो ICR वाले को ये एग्ज़ाम का प्रोसेस तो एटलीस्ट फास्ट रखना चाहिए था पिछले वाले रिगार्डिंग। देखते हैं क्या होता है, तो हम एक काम करते हैं, ट्विटर कैंपेन करते हैं, एक बढ़िया से ट्विटर कैंपेन करके देखते हैं ICR का क्या रिस्पांस आता है, और जितना ज़्यादा होगा उतना ही ICR जल्दी रिस्पांस देगा, नहीं तो फिर ऐसे ही चलने वाला। ICR एक ऑटोनोमस बॉडी है, आप सब लोगों को पता है। अब रेलवे वगैरह में तो आप सबको पता है कि कितने कैंडिडेट्स रहते हैं, उन लोग सब लोग ट्वीट करने की वजह कितना फ़र्क पड़ता है, लेकिन अभी आप जितने हैं उतने एटलीस्ट हम लोग ट्वीट करें, 3 से 4 5 जितना हो सके आप ट्वीट कीजिए, एटलीस्ट ट्रेंडिंग में ला के हम देखते हैं कल क्या होने वाला है, ICR की तरफ से क्या मैसेज आता है, हम लोग को क्या नोटिफिकेशन आता है। अगर सच में ये सक्सेसफुल रहा तो कल कुछ ना कुछ अपडेट आप लोग को मिल जाएगा, तो उसके लिए आप सब लोग को जान लगा देनी है दोस्तों। तो आप सब लोग हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम भी ट्वीट करेंगे तो आप उसको रिट्वीट कीजिएगा, रिट्वीट करने से भी वो ट्वीट का परसेंटेज बढ़ जाएगा और ट्रेंडिंग में आने के चांसेस रहेंगे। आप लोग खुद से भी ट्वीट करेंगे और हमारे वाले को भी रिट्वीट कर दीजिएगा, उससे उसके लिए क्या कीजिएगा, आप हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। ये ट्विटर अकाउंट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहाँ जाके फॉलो करके रखिए, कल के लिए पूरा रेडी रहिए आप लोग। मैं बीच में आपको एक अपडेट देना भूल गया, ये कट ऑफ के रिगार्डिंग आपको बताता हूँ। कट ऑफ के रिगार्डिंग मैं आपको मतलब मैंने एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, मैं हमारे चैनल में आपको हम अगर हमारे चैनल को चेक करेंगे तो आपको कट ऑफ के रिगार्डिंग पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और मैंने बहुत सारी चीज़ें भी बताई हैं, बस कट ऑफ नहीं। देखिए मैं ICR में एक एम्प्लॉय हूँ, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हूँ, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हूँ, तो मैं सारे ICR में क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या होता है T1 के प्रोसेस के रिगार्डिंग और ICR के साथ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, और फ्यूचर में भी बनाता रहूँगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे मुझे नए नए चीज़ जानने को मिल रहा है, तो मैं जितना हो सके मैं आपको बता ही रहा हूँ, और फ्यूचर में मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी बताने वाला हूँ कि प्रमोशंस के रिगार्डिंग भी बताने वाला हूँ, कैसे प्रमोशंस मतलब क्या बेसिस में प्रमोशन होता है। तो ऐसा बोलते हैं ना वो लोग कि 5-5 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा, हर T1 से T2 T3 का ऐसे करके आप मतलब टेक्नीशियन से चीफ टेक्निकल ऑफिसर तक चले जाओगे, वैसा नहीं होता है दोस्तों। इधर बहुत चीज़ मुझे पता चला है, 5 साल में इजीली नहीं होता है, मतलब हाँ किसी किसी का 5 साल में होता है, लेकिन मैं मतलब पूरा रिसर्च कर चुका हूँ, मतलब T1 से अभी हालांकि T1 में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं है, 2016 में वैकेंसी निकला था, ज़्यादातर लोग T2 T3 में चले जा चुके हैं, हाँ कोई कोई होंगे शायद T1 में भी जिनका कुछ एडुकेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि 5-5 साल में प्रमोशन होता है, बहुत सारा केसेस में बहुत अलग अलग चीज़ को देख के भी, फैक्टर को देख के भी प्रमोशन किया जाता है। तो उस चीज़ के ऊपर मैं एक प्रॉपर डिटेल वीडियो, कैसे आप T1 के बाद भी आप साइंटिस्ट तक, मतलब
आपको पता ही है मतलब ICR में कौन से रैंक होते हैं, मतलब टेक्नीशियन होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं, साइंटिस्ट रिगार्डिंग होते हैं, सबसे ज़्यादा मतलब जो अच्छा रैंक माना जाता है। वैसे कोई भी जॉब ऊपर नीचे नहीं होता, कोई भी जॉब अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन सबसे अच्छा साइंटिस्ट का जॉब प्रोफाइल जो है वो सबसे बढ़िया लगता है, मैं जैसा देखा हूँ ICR को उसके। तो उसके ऊपर अभी उस पर डिस्कस नहीं करते हैं, वो उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो आप अपडेटेड रहिए, मतलब आप चैनल को विजिट करते रहिएगा, नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा उसके ऊपर। उससे पहले हम फोकस करते हैं रिजल्ट्स के ऊपर। तो मैं सॉरी कट ऑफ के बारे में बता रहा था, कट ऑफ आपको हमारा वीडियो में मिल जाएगा, आप एक बार वीडियो जाके चेक कर लीजिए। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी रिजल्ट्स, हम लोग को जैसे भी करके रिजल्ट्स को डिक्लेयर करना है। तो जुड़ जाइए सब लोग, अगर हम ये चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे तो हमें ही प्रॉब्लम होने वाला है बाद में, क्योंकि आप देख ही रहे हैं पिछला एग्ज़ाम हुआ कब, नोटिफिकेशन आया, करते करते डिले होके लास्ट में जाके एग्ज़ाम कैंसिल होके हम लोग दोबारा फिर से रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं। उससे अच्छा मिल के सब लोग एकता दिखा के एक बार अच्छा सा ट्विटर कैंपेन करके देखते हैं क्या रहता है आगे। अगर हम लोग अच्छे से इस चीज़ में सक्सेसफुल होते हैं तो कल ही हम लोग को ICR के थ्रू कुछ नोटिफिकेशन मिल जाएगा, अगर हम लोग का सक्सेसफुल होता है तो। अगर लास्ट में जाके देखता हूँ कि कोई ट्विटर कैंपेन कर ही नहीं है, बस सबको रिजल्ट 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 करते जा रहे हैं, अरे अपना तरफ से भी कुछ एफर्ट कीजिए। NTPC वगैरह, ग्रुप डी वगैरह में लाख लाख बच्चे ट्विटर कैंपेन करते थे, उसके कारण रेलवे एक ही दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देता था कि अब से एग्ज़ाम होगा, अब से सेम उधर भी वैसे ही दिक्कत होता था पहले। तो वैसे तो अभी हम लोग जितने भी लोग हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ट्विटर कैंपेन के बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए सब चीज़ करके। कल देखते हैं क्या होता है। तो कल हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, तो कल सुबह 10 बजे सब लोग मिलते हैं, आप लोग रेडी रहिएगा। देखिए हम लोग इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे तो हमें ही दिक्कत होने वाला है, हमें ही वेट करता रहना पड़ेगा। उससे अच्छा मिल के एक बार बढ़िया से ट्विटर कैंपेन करते हैं। चलिए कल मिलते हैं, तो फिर आप हमारे ट्विटर चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, हमसे जुड़े रहिए। कल मैं फिर से आपको एक बार अपडेट दे दूंगा क्या कुछ नोटिफिकेशन, वैसे तो आपको पता ही चल जाएगा ट्विटर कैंपेन करने के बाद। रात को आप अगर ICR का वेबसाइट चेक करोगे तो कुछ नया नोटिफिकेशन आया तो कल, नहीं तो परसों में आपको पता ही चल जाएगा। उसके अगर उससे ऊपर भी कुछ मुझे आइडिया मिलता है, कुछ अंदर का बात पता चलता है तो मैं कल वीडियो लाऊंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और आगे आने वाले फर्दर नोटिफिकेशन के लिए हमसे जुड़े रहे। हर एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग, हर चीज़ के रिगार्डिंग हम जो भी हमको आइडिया मिलता है, जो भी हमको न्यूज़ मिलता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।